वोडाफोन आइडिया के अंदर अच्छा खासा तेजी हमको देखने को मिला है। और साथ ही साथ गैस वोडाफोन आइडिया हो गया और दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर के लिए भी एक बहुत बड़ा न्यूज़ निकल के आ रहा है, जिसमें कि गैस 5G का ट्रायल सारे टेलीकॉम ऑपरेटर ने कंप्लीट कर दिया है। और साथ ही साथ अभी गवर्नमेंट की तरफ से 5G का स्पेक्ट्रम का जो भी बैंड होता है उसका नीलामी का प्रक्रिया का अभी शुरू करने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि अभी बहुत ही जल्दी 5G का अवेलेबिलिटी हो जाएगा पूरे देश भर में। तो ये एक अच्छा न्यूज़ है, जिसके चलते गाइस अभी आज के दिन अच्छा तेज़ी देखने को मिला है। और साथ ही साथ गाइस ये जो ट्रेंड लाइन मैंने डाला है, यहाँ पर जो दो ब्लू लाइन है उस ब्लू लाइन के आर पार ही चल रहा था, मगर पिछले दिन एक अच्छा खासा गिरावट हमको देखने को मिला है और उस गिरावट को अभी भी फिर से दोबारा रिकवर नहीं कर पाया है। अगर फिर से ये ट्रेंड लाइन के आसपास से चला जाएगा तो अच्छा खासा और भी तेज़ी हमको दिख सकता है, और अगर फिर से और ज़्यादा गिरावट होता है तो यहाँ पर 8.05 रुपीस के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन भी है। और इस लेवल के आसपास स्टॉक ने अभी फिर से सपोर्ट लेकर और ज़्यादा बाउंस बैक भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए वोडाफोन आइडिया के शेयर में उतना ज़्यादा खास मोमेंटम अभी के लिए नहीं दिख रहा है। तो अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म के लिए है तो आप थोड़ा सा पोजीशन इसमें ऐड कर सकते हो, अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो फिर आपको और ज़्यादा क्वार्टरली रिजल्ट का वेट करना होगा, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है वोडाफोन आइडिया के ऊपर। जब तक वोडाफोन आइडिया का फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं हो जाता तो तब तक इसमें कोई भी लॉन्ग टर्म का डिसीजन आप नहीं लेगा तो भी बेहतर होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, एंड ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा।